यही जम्मू, इसके बारे में जम्मू 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 कहते हैं। गरीब आएगा आपके यहाँ क्या क्या नेता आएंगे, वो नेता भी आता था, आएगा तो कहता था गोली मारो शालू को, मारना है गोली। सुनते मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा, नफरत से भारत नहीं है। नफरत से ये वचन खत्म हो जाएगा। जब तक भाजपा ने क्या कहा, कश्मीर आया था आरएसएस का आदमी कहा, हमने इस रियासत का कश्मीरियत इंसानियत और जमहूरियत में इसका पैसा। मैं आज भी कहता हूं जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे और दूसरी के हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकते, कभी नहीं। मुझे लिख के लेंगे, चार जंगें हो गई हैं, चार जंगों में गरीब ही मरा, अगली जंग में भी वही होगा अगर कभी आपने नहीं सोचा, उससे ज्यादा भयानक। दोनों के पास अटम बम है, उनको एक ही अटम बम से मिल जाए। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने पीठवाल में, यहां पाकिस्तान के कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते, और क्या कहा, कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते, या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा दोस्ती होती, आज सियालकोट से लोग यहां जम्मू चाय पीने आते, खाना खाने आते, हम वहां जाते, वही हाल होता था पुराने जमाने में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, लोग रेल में आते थे, रेल में आते थे, यहां दिन गुजारते थे, शाम को वापस। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चोल लाया आता था, चीन का वजीर आजम और जवाहरलाल उसके साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी की भाई भाई दोनों झंडे ऐसे लड़ना पड़ेगा। कहां पर नफरत है, कहां पर बॉर्डर पर बैठे, हमारी जमीन पर बैठे और आप क्या हो, हम दोस्ती में रहेंगे वही जो पैसा हम लोग इन जहाजों को और इन टैंकों को और इन चीजों को लेते हैं, वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच रहे हैं बुखारी में, सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है। इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हम लोग अपने न सिर्फ खुद खाते थे बल्कि दुनिया में देखते थे अपनी पसंद। आज कहां पर आप देखें, यही जम्मू, इसके बारे में जम्मू 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 कहते हैं, पार्लियामेंट में बैठा था
मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे। मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के, मगर मेरी बात सुन ली। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन जहां जहां बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, वहां लोग मर रहे हैं। नीचे बैठ के हवा यहां से आसमान जाए। हम लोग के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को भेज रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ, फिर दुनिया देखो। अपना घर तो आग में लगा हुआ है, पर हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाहिए शेबाज घूमते आती हैं जाती हैं। राजीव गांधी की भी हुकूमत है, काशत आपके भी 300 है, इतने दूर नहीं है। माफी नहीं चाहिए, नफरत का ढंका जो आप बजा रहे हैं ना, ये थोड़ी वक्त चलेगा। नर्वस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं, जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने, बद्री रैना साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, इनको आराम नहीं, इनको आराम नहीं। मैसेज दे सुनिए आप, एक औरत है वो इन घरों में जाती है जहां मैं कपड़े धोता हूं, और इसको उस दिन वो भगवत गई आपके यहाँ आ गया। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा यही वो बेटी है मेरी, इसकी फिर उसने आज उसकी पूजा हुई, उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़े खुश है उसका दिल में। मुसलमान लड़की की पूजा हो थोड़ी देर में आंसू आ गए और कहती है ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं, और कहती है आंसू से आज भी मेरा हिंदुस्तान, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब। भाई लोगों याद रखो, इस वतन में आज भी इंसान है, आज भी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत है, और इंशाल्लाह ये भारत रहेगा, ये मोहब्बत रहेगी, यही चले जाएंगे जो नफरत फैला रहे हैं, यही है। इसे मैं आपसे कहता हूँ घबराना नहीं, बस मैं भगवान को थामे रहूं, मैं अल्लाह को थामे रहूं, उससे काटे वही काटे इंशाल्लाह। ये जमात मरे भी है न, मरे थी न, मरी है न, मरी थी। ये जमाने में नहीं आते अगर नहीं आए। नरसिम्हाराव जी की हुकूमत थी तो कहते थे कालो कब्जा से नानो तो बोलो नेशनल नाम तो तुम्हारे कहा है ना। मैं विलायत, मुझे लोग विलायत भेजे, अरुण साहब आइए तशरीफ लाइए, हमें किसी में बचाने वाला तो
आज भी आपसे कहता हूँ जम्मू कश्मीर बचेगा नेचर कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। अरे कंजूरा तुम जितना मार सकते हो बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो, तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। इसे लिख लो, लिख लो मुझसे, खून से लिखे हुए। कोई धर्म नफरत नहीं सीखो, कोई इंसान बुरा है, धर्म बुरा है। अपने धर्म की तरफ चलो। मुसलमान भाई भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे। नमाज नहीं कर, रोजा नहीं कर, सच नहीं बोलते, कम जोड़ते हो, बेईमानी करते हो, छुड़ बोलते हो, यही हाल हमारे हिंदू का। वो क्या मुझसे दूर हो गए, हमें माया जाल में फंसा रहा, माया जाल। समझते हैं अगर 1 करोड़ है दूसरा 1 करोड़ बना रहा, कोई पता नहीं कर रहा क्या, ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही था। मीडिया मेरे सामने, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अभी हमारे पिछले गवर्नमेंट ने सतपाल मलिक साहब ने झुंझुनू राजस्थान में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है रोशनी की, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, कहता हूँ सर आइए मेरे सामने, वहां क्या बोल रहे। मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं, झूठ बोल, पहले तो हम सबको झूठ बोला, लेकिन सर तक जाएगा फिर कहता नहीं, मुझे वजीर आजम ने कहा था 35 एक जाएगा, 370 रहेगा, ये भी आपने सुना होगा। और आज झुंझुनू में जाके बात, अरे यार जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूँ। सोचते हैं ना तुम गवर्नर, तुम गवर्नर से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर क्या करें, झूठ बोलना छोड़ दो। रोशनी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा दो दिन में उसका फायदा, इसे एक ही है। मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें, मैं 9 प्रोजेक्ट हमारे पास थे पावर के, और मैं हुकूमत के पास गया, भाजपा जी प्राइम मिनिस्टर थे, और पावर मिनिस्टर थे वो साउथ इंडिया के कुमार मंगला, उनके दफ्तर में गया, फारूक साहब आपको सेंटर जो है काउंटर गारंटी नहीं देगा, आप 2 प्रोजेक्ट बना लीजिए, 7 हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका जो भी पैसा आपने लगेगा वो हम निकाल लेंगे, फिर ये प्रोजेक्ट आप करवाएंगे। किसी मिनिस्टर से भी कुछ किसी शक्ति को नहीं लेंगे, उसी वक्त से हमें हमारे लोग बिजली के बगैर अंधेरे में, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो दिया जलाते, लालटेन जलाते, आंखें खराब हो जाती, हमें बिजली, कारखाने बने बिजली, घर आबाद हो, हमारी माए बहने खाना पका सकते, गर्म पानी कर सकते, 7 प्रोजेक्ट के हवाले, 2 प्रोजेक्ट हुए सावलकोट और अल्लाह का शुक्र है बगलिहार आज आपको 900 मेगावाट। सावलकोट में अगर इन लोगों ने ऊपर नीचे नहीं किया था आज 1800 मेगावाट होना आपके पास, उसमें भी ये फैलाया फारूक अब्दुल्ला इसका हिस्सेदार, अब ये भी कहा
आज वो जिंदा है फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। जब उसका ये जो है बख्तियार का वो डैम का नियम रखना था, हमने इनको बुलाया कि आइए देखिए। उन्हें जब देखा हम तो ये कह रहे थे कि वहाँ कुछ ऐसा सारा खाब है, यहाँ तो इतना काम हुआ। आज भी वो जिंदा, पूछ लीजिए उसे। इंसान जब जाएगा उसी ही साथ में जाएगा, ये कपड़े भी नहीं साथ जाएंगे, ये जिसम भी यही रह जाएगा, या तो जलाया जाएगा या खाक हो जाएगा, सिर्फ रूह जाएगा, आत्मा जाएगा। और जो किया होगा उसका हिसाब आपको पहले से देना होगा। सही जो जीव किस्म के अब ये फैला रहे हैं, लेकिन और फैलाएंगे, और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। हर गांव में इन्होंने आरएसएस का आदमी बेच रखा है, हर गांव में जम्मू आईना कश्मीर, हम भी देखते हैं कौन आ सकता है इनमें से, क्योंकि हम में वो दम है, इनका जवाब देने हम में लाठी नहीं चला, हम इनको अपने सच्चाई की तरफ उसी के सामने हमने जाना है, तुमने भी और मैंने भी, वहां कोई फर्क नहीं है, ये बादशाह या गदाकार सब हिम्मत। और कोई भी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकेगा, वो लाख कोशिश करेगा नहीं यहां से अलग करेगा, उधर से अलग करेगा, इधर से यहां खींचेगा। अरे भाई अरे खींच के तो दिखाओ। और फिर एक साथ कहते हैं डिक्सन प्लान, वाह मेरे ख्याल से वो डिक्सन कबर से उतरा होगा और रात को इसको एक भूत बन के आया होगा कि डिक्सन प्लान। आप कौन सा प्लान लाओगे? डिक्सन तो मर गया, आप कौन सा प्लान लाओगे? यह हाल है, झूठ नफरत। और मैं भाई बहनों से सिर्फ अपील करता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए कि हम नफरत को डुबो सकें, नफरत को जहन्नम में फेंक सकें और भाईचारे को जिंदा रख सकें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो दे दीजिए, मैं उसे दुआ करता हूँ हम सबको सलामत रखे और हमें अपने भारत की जो है उसकी शान दिखाए। उसकी शान है एकता में, इत्तेहाद में, इत्तेफाक में और भाईचारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आराम से पकड़ो, अनमोल पकड़ा रहा है। बन भाई, बन बन भाई, बन आराम से, जो है फर्क पड़ेगा वो कोशिश करेंगे जानने की। इंसानियत करो, इंसानियत तो पड़ेगा, और क्योंकि इनसे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अब इसके बाद यहाँ से बाहर आने से बात करते हैं कि उनसे यहाँ पर बातचीत हो सके। हालांकि कश्मीर के हालातों पर उन्होंने यही कहा कि जन्नत बनाने के वादे की नफरत की राजनीति करने वाले जो है वो खुद समाप्त हो जाएंगे, इंसानियत समाप्त नहीं हो सकती। भाईचारे पर उन्होंने काफी कम किया, यही पुष्पा जाना कोशिश की।
जी से।